का स्वागत विद्यालय की परिवार के विद्यालय परिवार की तरफ से सुरम वादियों में मां भंडारी देवी के गोद में बसा हुआ अरोरा नगर माँ विंध्यवासिनी के आंचल में बसा हुआ जनपद माननीय मंत्री जी साथ में हमारे जो है जिला सहकारी बैंक के डायरेक्टर किसान आंदोलन को लेकर सरकार का काफी विरोध है, क्या भाजपा की पुनः वापसी हो पाएगी? पहली बात तो ये है, जब किसान बिल वापस हो गया तो अब विरोध का कोई औचित्य नहीं रह गया, एक चीज। दूसरी चीज, किसान सदैव हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से रहा है। योगी जी की पहली ऐसी सरकार है जिसने अपने पहली कैबिनेट बैठक में 86 लाख किसानों का ऋण माफ करने का निर्णय लिया। जब से योगी जी की केंद्र सरकार बनी है, समय समय पर नियमित रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जा रहा है, क्रय केंद्रों के माध्यम से किसानों की उपज खरीदी जा रही है। पूर्ववर्ती सरकार की तुलना में 4 गुना 5 गुना से भी ज़्यादा खरीद हमारी सरकार में हुई है। इसके साथ ही साथ ये पहली ऐसी सरकार है जो किसानों के सम्मान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में उन्हें निरंतर हर चौथे महीने 2000 रुपए का आर्थिक सहायता उनके बैंक खाते में जा रहा है। सपा का इसके साथ ही साथ पूर्ववर्ती सरकार अपने 5 साल में मात्र 15,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का भुगतान किया था। हमारी सरकार ने अब तक 4.5 साल की सरकार में 1,43,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का भुगतान किया। इसके साथ ही साथ आज ये पहली ऐसी सरकार है जो देश के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न भी मुहैया करा रही है। मंत्री जी, सपा का तेजी से छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन हो रहा है, क्या अखिलेश यादव योगी जी पे भारी पड़ रहा है? देखिए, छोटे दल क्या, बड़े दल भी कभी एक हुए थे। पार्लियामेंट के चुनाव में सपा बसपा भी एक हुआ था और सपा बसपा एक होकर के भी बीजेपी का पीछा नहीं कर पाए। जब सपा बसपा जैसे बड़े क्षेत्रीय दल भाजपा को रोकने में पूरी तरह से असफल रहे, उल्टे धराशायी हो गया, गठबंधन बेअसर रहा, चुनाव के बाद गठबंधन भी टूट गया, तो अब छोटे छोटे दलों का क्या बता?